तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गुड न्यूज़ यह है कि RBI 1000 लोन ऐप्स को अपने रडार पे ले लिया है, उनकी पूरी जांच करेगा और कुछ ऐप्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विनय LLB में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, सामने बेल आइकन का दिया होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुँच सके। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है विनय डी ब्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की खबर ये है कि जो RBI ने 6 सदस्य वर्किंग ग्रुप बनाया था, जितना भी ये फर्जी लोन ऐप्स का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है इसकी जांच के लिए पूरी सच्चाई बाहर निकालने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है, जो भी 6 सदस्य वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है RBI की तरफ से। तो एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ के माध्यम से पूरी बात को मैं आपको समझाऊंगा। वो न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप जो है पूरी बात को समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बाकी अब मैं न्यूज़ को पढ़ता हूँ और यहाँ पर भी आप न्यूज़ को देख सकते हैं। ऐप से लोन लेने वाले सावधान, 1000 गैर कानूनी मोबाइल लैंडिंग ऐप्स RBI की रेडार पर। मार्केट में तेजी से मोबाइल लैंडिंग ऐप्स की आई भरमार से बैंकिंग रेगुलेटर RBI भी हैरान है। वो अब भी इन ऐप्स के जरिए बांटे गए लोन की कुल रकम की जानकारी को लेकर अंधेरे में है। मतलब RBI को अभी भी चीज़ की दिक्कत है कि इन्होंने जितना भी लोन मार्केट में बांटा है उसका अभी तक उन्हें कोई हिसाब नहीं है, उस चीज़ को लेकर अभी भी चीज़ अंधेरे में है। डिजिटल लैंडिंग गतिविधियों की जांच के लिए गठन किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्किंग ग्रुप ने 1000 ऐसे गैरकानूनी लैंडिंग मोबाइल ऐप की पहचान की है जो बेवत ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं, जिन्हें तुरंत कैश की ज़रूरत है। वर्किंग ग्रुप के एक नज़दीकी अधिकारी के मुताबिक अभी तक ग्रुप के पास ये जानकारी मौजूद नहीं है कि भारत में कितने मोबाइल ऐप आधारित लैंडिंग कंपनियाँ एक्टिव है। ऐसा भी है कि संभव है कि एक ही कंपनी कई ऐप ऑपरेट कर रही है। ऑनलाइन कर्ज बांटने वाले ऐप की समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है जिससे कानूनी दायरे में काम कर रहे अनियंत्रित मोबाइल ऐप्स को अलग अलग किया जा सके। अभी ग्रुप के पास ऐसी जानकारी नहीं आई है जो भी ऐप्स हैं वो किसके अंडर में काम कर रही हैं, एक कंपनी कितनी ऐप चला रही है, अभी कोई भी ऐसी जानकारी उनके पास नहीं आ पाई है। मार्केट में तेजी से मोबाइल लैंडिंग ऐप की आई भरमार से बैंकिंग रेगुलेटर भी हैरान है। वो अब भी इन ऐप के जरिए बांटे गए लोन की कुल रकम की जानकारी को लेकर अंधेरे में है। साथ ही RBI ने गैरकानूनी ऐप्स के को कई ऐप स्टोर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में पुलिस की ढेरों FIR के अवैध ऐप्स की कार्यप्रणाली उजागर हुई है जो सेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम मार्केट में डालते हैं। ये जरूरतमंदों को बिना कुछ गिरवी रखे तुरंत छोटे लोन मुहैया कराते थे, लेकिन ग्राहकों के फ़ोन का लोकेशन डाटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट की अनुमति ले लेते थे। कुछ ऐप ने ग्राहकों के आधार की कॉपी भी मांगी थी। लॉकडाउन के बाद हुआ बाजार गरम। सूत्रों का कहना है कि RBI के सामने इस नए उभरते मार्केट के इनोवेशन को छोड़े बिना रेगुलेटर कानने का बड़ा जिम्मा। एक अधिकारी के मुताबिक वर्किंग ग्रुप को साफ कहा गया है कि इनोवेशन को चोट ना पहुंचे पर अवैध प्लेयर्स को इससे दूर रखा जाए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI बेस्ड इन ऐप्स का मार्केट बड़ा है। मुंबई बेस्ड एट कंसल्टेंट का कहना है कि अप्रैल 2020 में लॉकडाउन की वजह से हजारों लोगों की नौकरी गंवाने में से भारत में इंस्टेंट ऑनलाइन लोन का बाजार गर्म है। उनके मुताबिक इनकी डिमांड बढ़ी जब लोगों से उनकी नियमित आय का जरिया छूट गया। ये हैरानी की बात है कि गतिविधियां कई महीनों तक RBI के रडार पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये पहले से संपर्क क्रेडिट कार्ड मार्केट का समांतर ही काम करता है। इन ऐप्स पर है नज़र, इन ऐप्स का नाम सुन लीजिएगा, अगर आपने लोन लिया है तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि रेगुलेटर की नज़र में कुछ प्लेयर्स में माई बैंक, वन हो, कैश भी, कैश फ्लो, रुपी फैक्टर, ओके कैश, रुपी बाजार, पैसा लोन, M रुपी, फ्लिप कैश, I रुपी, एंड कैश, रुपी वर्क, जीरो कैश, कैश काओ, मनी मोर, कोला कैश, स्टार लोन, गेटे कैश, यूरूपी और योयो कैश शामिल हैं। रिकवरी के क्रूर तरीकों के लेकर आई खबरों के बाद RBI ने 23 दिसंबर 2020 को एक एडवाइजरी जारी की। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से ऐसे ऐप को किसी भी कानूनी एजेंसी रिपोर्ट या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही समय बाद ऑनलाइन कर्जदारों के ब्लैकमेल करने से परेशान होकर लोगों ने ख़त्म
करने के कई मामले सामने आने से आरबीआई को आखिरकार मामले की गंभीरता की जांच करने के लिए 13 जनवरी 2021 को वर्किंग ग्रुप का गठन करना पड़ा। 19 जनवरी को वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई और अपने पहले कदम में वे ऐसे अवैध मोबाइल ऐप की पहचान कर रहे हैं। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार दास इस वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ग्रुप 3 महीनों में अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपेगा। आरबीआई विनियमित एनबीएफसी के तहत काम करने वाले ऐप कैश ई और ऑपरेशन हैश पुष्पिंदर कौर का कहना है कि हमें खुशी है कि आरबीआई ने अवैध ऐप्स को हटाने के लिए पहल की है। भविष्य इन्हीं फिनटेक ऑनलाइन कर्जदारों का है। तो फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ को पूरा सुन लिया होगा। आपने देखा कि आरबीआई ने ऐसी 1000 ऐप्स को चिन्हित कर लिया है और कुछ ऐप के नाम भी दिए हैं। ठीक है, उनका कहना यह है कि उन ऐप्स को हमें देखना है कि कौन सी जो गलत काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। कुल मिला के ये है, रडार का मतलब ये है कि अब 1000 ऐप्स को जो है बारीकी से देखा जाएगा, पूरी जांच की जाएगी, जो इलीगल एक्टिविटी कर रही है उनके साथ गलत किया जाएगा, मतलब उनको कार्रवाई करके वहां से उनको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, और बाकी यही बोला गया है कि जो फिनटेक कंपनियां हैं वो सारी इसी पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आरबीआई अपने तरीके से काम करेगा, जाँच करेगा। आरबीआई के भी कुछ चीज़ें बहुत सी अभी समझ में नहीं आई हैं, कुछ चीज़ें अभी अंधेरे में हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो सारी चीज़ों को कवर कर लेगा। 3 महीने का बहुत टाइम होता है, 3 महीने में उम्मीद है कि आरबीआई ने जो एक्शन लिया है 3 महीने में वो कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट देगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट देगा कि जो ये लोन ऐप्स है जितनी भी फर्जी चल रही हैं, बिना एनबीएफसी के चल रही हैं, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी कुछ भी लाइसेंस नहीं है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप भी किसी ऐसी लोन ऐप से परेशान हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप मैंने हटा दिया है, तो वो बंदा टेलीग्राम पे मुझे संपर्क कर सकता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा भाई, अगर वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। अगर लाइक नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही दें। हमारा हर वीडियो ख़राब नहीं होता है, कोई ना कोई वीडियो हमारा अच्छा भी होता है और अपना प्यार दिखाए। तो खैर, अब मैं वीडियो को यहीं बिल्कुल ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी जानकारी। तो अब मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद।